सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स अबाउट इन द व्लॉग्स अगेन। एंड बहुत दिनों बाद आज मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सॉरी, क्योंकि मेरा जो वीडियोस था वो सब नहीं आ पाया ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स, एंड अभी भी नहीं डाल पा रहा हूँ। करंटली ये वाला मैं ज़रूर डालूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या सीन है, 29 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, एंड उसी दिन मैं एक व्लॉग अपलोड करूँगा, गया का पूरा व्लॉग। मतलब सीन क्या हुआ, मैं जनवरी में यहाँ आया तो प्रोजेक्ट वर्क के चक्कर में, फिर एग्ज़ाम्स के चक्कर में एडिट करने का मौका नहीं मिला एंड अपलोड करने का भी मौका नहीं मिला। एंड अब गाइस एग्ज़ाम ख़त्म होती है, मैं ज़रूर से करूँगा। एंड आज हम लोग गाइस वापस से हुबली जा रहे हैं एक लास्ट टाइम, शेरब भाई और दो दोस्त और है, ठीक है। और हम लोग डेमन स्लेयर का एक मतलब मूवी तो नहीं बोल सकते एक तरह से। सीन क्या है, पुरानी सीज़न टू का जो है दो एपिसोड निकाले हैं, एंड सीज़न 3 का एक फर्स्ट वाला एपिसोड वो लोग एक मतलब ज्वाइन करके एक मूवी टाइप का बनाया है, आई थिंक 2 आवर्स के समथिंग आसपास। एंड उसी को देखने जा रहे हैं अभी हुबली। एंड अभी करेंटली आई थिंक इट्स 8:40 और हम जा रहे हैं। देखो गोरिल्ला दिख रहा है ना, वो देखो गोरिल्ला, ये चोरी करने आया इधर। सो गाइस फाइनली हम लोग जो है इधर बस स्टैंड में आ चुके हैं। अभी इधर से थोड़ा आगे जाते हैं यार, मतलब डिकेतन जाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग डिकेतन जा रहे हैं थोड़ा सा सामान वामान देखने, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट PVR जाएंगे जो कि लक्ष्मी मॉल में है। एंड अभी हम इधर करेक्ट धूप में अपनी मरवाते हुए जा रहे हैं। तो भाई सभी हम लोग यहाँ डिकेतन पे आए, एंड इधर का थोड़ा लुक चेंज हुआ है, समझ लो चार दर लुक थोड़ा चेंज हुआ है इसका, मतलब थोड़ा साफ सुथरा रहा है। बस इतने, अभी इसके बाद लक्ष्मी जाएंगे, फिर मूवी का रिव्यू भी देंगे एंड सीज़न 2 का सब देख लेना, वो थोड़ा सा दिखाएंगे। हर ले दिखे यो बस ले सगाई सभी ठीक है। तन में तो सब कुछ हो चुका है, एंड अभी हम लोग जो है वापस से मतलब PVR की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी करंटली 12 बज चुका है, 45 मिनट्स बचा है, और उधर जाके देखते हैं यार मतलब टिकट का प्राइस कितना वगैरह और कब तक होता है ये कि नहीं, ठीक है। एंड जो भी यहाँ तक देख रहे हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। सगाई फाइनली PVR में आ चुके हैं। देखो यार मूवी खत्म हो गया, इतना बचा पैसा बर्बाद बहन चोद। सो गाइस मूवी के बाद तो हम डोमिनोज आए, मुझे उतना भूख नहीं लग रहा था तो मैंने एक रेगुलर साइज ऑर्डर किया और ये बिल्कुल टट्टी था भाई। सो गाइस अभी खाना खाने के बाद अभी हम वापस अभी लौट रहे हैं एंड यही तक है। तो अभी जैसे बस के अंदर आया भाई मैं तो सो गया, आधा रास्ता हम क्रॉस कर चुके थे भाई। जो सीन था ना इधर का, नॉर्मली इतना देखा नहीं मिलता, बट आज पता नहीं यार अच्छा था देखने को मिल रहा। भाई देख लो यार क्या चला है भाई। सब इधर मनगोड़ आ चुके हैं एंड अभी करंटली 6 बज रहे हैं और अब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं ऑटो में इन दोनों के साथ। बोलो मूवी कैसा लगा? मूवी कैसा लगा? बहुत अच्छा था भाई। मूवी कैसा लगा? सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ एंड करेंटली इट्स 6:30 और बस मतलब रिव्यू मतलब सीन क्या है, फर्स्ट हाफ तक आपको बोर लग सकता है क्योंकि सीन क्या है, जो एनिमे मतलब डिमन स्लेयर के फैंस हैं
वो सीन कैसा है कि उधर मतलब जो मैं सोचा था कि 2 एपिसोड दिखाएगा वो फाइटिंग सीन वाला दिखाएगा, बट वो इतना मतलब थोड़ा पीछे वाला टाइप का था। एंड एक एपिसोड मतलब स्किप भी मारा है, 10 11 दिखाया था, 12 स्किप मार दिया। एंड फिर सीजन 3 का शुरू किया, तब इंटरवल तक थोड़ा बोरिंग चल रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था सच्ची बोले तो। मतलब इंटरवल के बाद जो सीजन 3 आता है वो मतलब 50 मिनट आपको पता नहीं चलेगा कि 50 मिनट कैसे गया, मतलब इंटरेस्टिंग है। एंड सीजन 3 का एपिसोड 1 है तो थोड़ा लेंदी रहता है, इसीलिए 48 मिनट्स के आसपास था। एंड पूरा सॉन्ग वगैरह थोड़ा चला रहे थे। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग था मैं बोलूँगा, क्योंकि वो सीजन हम पहले ही देख चुके हैं तो बार बार देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता सच्ची बोले तो। एंड जो फाइट सीन देखने के लिए गया था वो तो नहीं मिला। एंड मतलब जो मांगा रीडर्स है उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम मज़ा आएगा, बट जो लोग मांगा नहीं पढ़े हैं सीजन 3 का उन लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सेकेंड पार्ट जो है मतलब थिएटर में कब 50 मिनट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो आफ्टरऑल एवरेज था। अभी सीन तो है नहीं क्योंकि अभी पूरा सीजन 3 मतलब पूरा सीजन 3 नहीं बोलूँगा मैं तो, सीजन 3 वैसे भी आने वाला है अप्रैल में, तो अब वही है थिएटर का थोड़ा मतलब जो है ना वाइब वगैरह अलग होता है। एंड इसी के साथ और सीन क्या था, अभी इसके बाद आई थिंक ये लास्ट है आई थिंक उन लोग मतलब शराब लोग के साथ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब मतलब ऐसे जा पाएंगे, क्योंकि मतलब है ना सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। फिर उसके बाद तो 12th होने के बाद तो मेरा भी एक लास्ट एग्जाम बचा है, एंड 29 को ही मैं जो है एक ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली एडिट मार के रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा जो गया वाले सारे ब्लॉग्स थे। एंड इसलिए आई मीन सॉरी, क्योंकि मैं आई थिंक 2 महीने के आसपास तक, 2 महीना भी नहीं बोल सकते, हाँ 2 महीने के आसपास ही होगा या मतलब 2 महीने के आसपास इनएक्टिव रहा हूँ। एंड ग्रेजुएशन ब्लॉग में थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिला था लिटरली, एंड मतलब ऐसे सपोर्ट दिखाओ एंड सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यू मेरे को सही मिला था सच्ची बोले तो। बस अभी जो आने वाले व्लॉग्स रहेंगे उनमें भी सपोर्ट दिखाना, इस व्लॉग को भी सपोर्ट दिखाना। एंड ये जहाँ जिन यहाँ तक देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो यार, ठीक है एंड बाय। มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางเมืองม่วง